हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका शो में जिसका नाम है भारत एक मौज। मैं हूं संजय राजौरा और इस बार की मौजें लेके आपके सामने हाजिर हो गया हूं। देखते हैं इसके बाद आप डिप्रेस फील करते हैं या हैप्पी फील करते हैं। मेरा कहना है डिप्रेस की तरफ कांटा थोड़ा ज्यादा घूम जाएगा आपका। देखते हैं आज का भारत एक मौज। '1903 में राइट ब्रदर्स ने जब पहली बार प्लेन बना के उड़ाया था तो कितना हर्षोल्लास हुआ था उनके चारों तरफ। पूरी दुनिया में इतना शोर मचा था कि भी प्लेन उड़ रहा है, प्लेन उड़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज उड़ सकती है और उसमें आदमी बैठ के सवारी बैठ के जा सकती है। और ये एक चमत्कार था। ये 1903 की बात है। आज 2020 में वही हर्षोल्लास हिंदुस्तान में देखने को मिला जब ये मालूम हुआ कि फ्रांस से 5 रफाल जेट उड़के हिंदुस्तान आ रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा था कि फ्रांस से जहाज आ रहे हैं हिंदुस्तान में और वो भी उड़के। पूरे कंट्री में मतलब एक नई ऊर्जा का जो है संचालन हो गया। माय गुडनेस, यार दिख कैसे गए। खुश हो गए कि उनका जहाज आ रहे हैं। लोगों ने सब ने अपनी गर्दनें ऊपर उठा ली, अपने मोबाइल फोन लेके, कहीं विजुअल किसी से मिस ना हो जाए, चाहे कोई फ्लाइट पाथ में है या नहीं है। बाकी रहा सा काम न्यूज चैनल्स ने कर दिया कि अब यहां पहुंचे। गर्दनें ऊपर उठा के रखी हुई है। क्यों ना उठाए भैया, पहली बार जहाज आ रहे हैं तो देखना बहुत जरूरी था। लोगों ने तो ऐसे ऐसे भी वीडियो बनाए कि ओहो एक 2 सीटर है और एक 1 सीटर है, मतलब इस तरह के कमेंट्स वीडियो पे आ रहे थे कि भाई आखिरकार जो है 5 रफाल जेट 16 लाख कोरोना केसेस पे बहुत भारी पड़ते हैं। और फिर हम शतुरमुर्ग थोड़ी हैं कि जो अपनी गर्दन रेत में दबा के रखे। हम इंसान हैं, हम अपनी गर्दन ऊपर आसमान में ऐसे करके रखेंगे। आइडिया तो यही है ना कि रियलिटी से दूर रहना है, चाहे शतुरमुर्ग हो चाहे इंसान हो, गर्दन दबाओ या उठाओ। जिस डॉन का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही थी और जिस डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी था, उस डॉन को कोरोना ने पकड़ लिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये महाराष्ट्र में एक बैनर लगा हुआ था, आपको यकीन नहीं आता तो देख लीजिए बैनर। मतलब अंकल ने थाली पीटी। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, उनकी जो बेटी है श्वेता बच्चन, तमाम लोग वहां पर खड़े हैं छत पर और छत से ताली बजा रहे हैं, दिए जलाए। होम्योपैथी के बारे में इतना कुछ बोला उन्होंने, अब हुआ क्या? कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उसी तरह एक जन आंदोलन बनाए जैसे हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाकर भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाया। मतलब या तो अंकल ने लगता है थाली ठीक से नहीं पीटी या फिर अपने होम्योपैथी की डोसेज में उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी थी। लास्ट में मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स का फायदा उठाने के लिए इलाज कराने हॉस्पिटल में पहुंच गए। ठीक है, तो आई फील अ लिटिल बिटरेड। मतलब थोड़ा वेट कर लेते, थोड़ी और थालियां पीट लेते, थोड़ी और होम्योपैथी को टाइम देते थोड़ा। हिंदूगण जब इस अनुष्ठान को करेंगे तो एक स्वर में गाया हुआ हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से सिद्ध होगा और हम कोरोना से मुक्ति पाएंगे। और अगर आपके घर की थालियां पिट पिट के बेसुरी हो चुकी हैं तो पड़ोस से मांग के लेके आ जाते हैं, आपको कौन मना करेगा यार? के आप सुपरस्टार हो यार, आपको कौन थाली देने से मना करेगा? आप इंडिया के ही नहीं, इंडिया के बाहर के सुपरस्टार हो। बाहर पैगाम भिजा देते, एक ट्वीट कर देते, टी फलाना फलाना आई नीड थाली, तो बाहर से लोग आपको भर भर के थालियां भेजते। आप उसको बजाते तो सही, आपको अपनी बैरिटोन आवाज में बस ये बोलना था कि जब तक बैठने के लिए कहा ना जाए खड़े रहो, गो कोरोना गो। अब हुआ क्या, उल्टा कोरोना ने आपको डायलॉग मार दिया, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी, समाज से दूरी बनाए रखें। 28 टू 30 पीपल आर हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स एंड दे आर अंडर प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग कलेक्शन एंड टेस्टिंग अदर स्वैब। एक तो यार हम इस जी न्यूज से बहुत परेशान है, इनको अपने नाम से ना न्यूज हटा ही देना चाहिए यार। ये क्यों इसको अपनी जर्नलिज्म बताते हैं, न्यूज बताते हैं। और अब बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत के मामले से जुड़ी हुई है। सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह पर काला जादू किया। मतलब सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे एक अरसा हो गया है, उसकी मौत का तमाशा बना के रखा हुआ है। मतलब इन्होंने कुछ काला जादू की थ्योरी निकाल दिया उसकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के बारे में और उसके बारे में प्रोग्राम चला रहे हैं पूरा। मतलब कुछ तो छोड़ दो यार, या फिर अपने नाम से न्यूज हटा के रख दो। जी के सड़े हुए बेस्वाद बेमौके के बिना जरूरत के गोलगप्पे। बेटा लॉजिकल बातों में फंसाने की कोशिश मत कर मुझे तू।
अब एक बंदे ने तो डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लिया, वैसे इस कंट्री में मेंटल इलनेस की अवेयरनेस ही नहीं है। दूसरी को तुम क्यों ड्राइव कर रहे हो इस कदर उसके खिलाफ इस तरह के प्रोग्राम चलाते हुए? आपको कोई और नहीं मिलती खबर चलाने के लिए, और अब नाम आपने न्यूज करके रखा हुआ है यार कुछ तो, तुम अपनी दुकान के आगे तख्ती लगा लो ना, हम इंसानी गोश्त पे अपनी दुकान चलाते हैं। बताया कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती घर के भीतर काला जादू करती थी, तांत्रिक को बुला करके कुछ पूजा पाठ करवाया करती थी। यार तुमसे अच्छी खबरें तो जो मेरा बचपन का नाई था जिसके पास जाके मैं अपने बाल कटाता था वो देता तुमसे अच्छी खबरें, और उसने तो अपनी दुकान के बाहर तख्ती भी लगाई हुई थी कि यहाँ पे सर मुंडाने पे ओले नहीं पड़ते। तुम तख्ती तो ठीक कर लो अपनी। I am prejudiced, Rahul. I told you at the start, I am prejudiced for the truth. Now let others speak. I never said I am balanced on this. और दोस्तों एक और जाते जाते आपको मजेदार बात बताऊं, मजेदार क्या है मतलब ये मैंने सुना कि अजय देवगन गलवान वैली को लेके कोई फिल्म बना रहा है। मैं हर काम पैसे के लिए नहीं करता, और लोग खुश हो रहे हैं कि भाई देखना है कि एक्शन स्टार है क्या लेके आएगा। मैं कह रहा हूँ ज्यादा उछलने की कोई जरूरत नहीं है, अजय देवगन की एक पुरानी फिल्म है, उसका रीमेक है। फिल्म उसकी थी एक पुरानी अतिथि तुम कब जाओगे, सो उसका रीमेक बन रहा है, ज्यादा उछलो मत। मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो दोस्तों ये था इस बार का भारत एक मौज, कुछ खट्टी कुछ मीठी कुछ नमकीन कुछ बेकार कुछ बेस्वाद, कुछ की कोई जरूरत ही नहीं थी, पर जैसी भी थी ये लेके मैं आया आपके पास। मौज तो इस देश में चारों तरफ है, आप भी अपनी नजर और कान खोल के रखिए, आपको भी दिख जाएंगी। आज के लिए मैं यही खत्म करता हूँ, अगले भारत एक मौज में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक एंजॉय द रफाल। रे जनता ऊंच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल, फिर भी बाज ना आए बंदर बाट के झोल, संत मंत्री पुलिस कलेक्टर सभी खड़ा माडोल, ज्ञान में खोट ना आए भारत एक मौज। रे पीटी उसा पीछे छोड़े मलिया मोदी मेल, चौकीदार जो दिन में सो गया बन गए देश की रेल। अरे चटनी एक ऐसी भैया स्वाद सभी सभी रोल, मजे में फिर भी ले चटकारे भारत एक मौज। अरे चढ़ी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस, महाभारत के काल में हो गई इंटरनेट की खोज, पहलू का सिमर अकबर मांगे जान के भिक्षा रोज, पर काठ के उल्लू बन गए राजा भारत एक मौज। अरे मन की बात करे हर संडे बिना किसी के रोक, आम नागरिक कुछ भी बोले लो आ गई जन कीड़ों की फौज। अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टैक्स पेयर पे बोझ, पर कावड़ियों पे फूल की चादर भारत एक मौज। अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज। Thank you.